सावरकर की औलादे हैं कि हम जो घुटने टेकेंगे माफी मांगेंगे, दोबारा फोटो तस्वीर प्रतिमा लगाई जाएगी, स्टैचू लगाएंगे। इस बारी पूछो इन गद्दारों को किससे पूछ के 2009 में स्टैचू हटाया था। तुम लोग अंबेडकर के साथ खेलोगे और मनुवाद फैलाओगे और चाहते हो यूनिवर्सिटी में हम लोगों का अस्तित्व ना रहे। ये दिल्ली पुलिस के कर्मचारी नहीं थे, यहाँ पे बताया जा रहा है आरएसएस के दूसरे भी गुंडे आए थे यहाँ। अब बाबा साहब के अपमान के बाद कोई धाराम पे लगा लो, 302 लगा के हमें जेल भेज दो। जब ये शुद्धिकरण की बात आ गई है तो अब हम लोगों के अगर सांसें और अस्तित्व गंदा है तो हमें हटा ही दो ना दुनिया से। लेकिन आपने उनकी प्रतिमा हटा कर धो धुलाई कर साफ कर गंगा जल गौमूत्र से उनको कैसे लगाया? फिर कल जब हम आएंगे फिर से धोएंगे और अब हम जाएंगे नहीं, अब हम यहीं बैठे। तमाम लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर हिम्मत कैसे हुई, आंदोलन हटा दिया गया फिर से यहाँ पर आ रही है। हिम्मत तो कायरो में हिम्मत होती है। तमाम जो लोग कह रहे हैं इनसे पूछो इनकी इतना सावरकर की औलादे हैं कि हम जो घुटने टेकेंगे माफी मांगेंगे, हैं हम वो नहीं है। हमारे अंदर जितना दम है दिखाएंगे इनको कि हम क्या अंबेडकर की औलादे हैं और यहीं पे दोबारा फोटो तस्वीर प्रतिमा लगाई जाएगी, स्टैचू लगाएंगे। इस बारी पूछो इन गद्दारों को किससे पूछ के 2009 में स्टैचू हटाया था। उस समय हाफ पैंट वाले जो दलाल जो हमारे थे ना समाज के, जो इनके बीच में शामिल हो गए, हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन बहुत सारी चीज़ें बोली थी लेकिन मानी नहीं लोगों ने, कहा बाद में लगा देंगे। क्यों 2009 से अभी तक बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगी? हमारा अस्तित्व खत्म कर दिया पूरे विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से, हमारा कुछ नहीं रहा यूनिवर्सिटी में। और अगर हम सच की आवाज़ उठाते हैं, अगर हम बोलते हैं अपने हक हकूक के लिए लड़ते हैं तो देखो इनकी फोर्स, डरते हैं हम इनसे, एक इंच भी पीछे नहीं हटा जाएगा। और राजनाथ सिंह आ रहे हैं डीयू में, हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है आए। हम तो कहते हैं हम अगर वो आ सकते हैं तो यहाँ पे आ रहे हैं ना वो, मैं ये कहती हूँ, तो हमें क्यों हटाया जा रहा है? उनके लिए कोई वो नहीं है, लगाओ 144, मत घुसने दो, करो बैन, दिखाओ उनको भी झंडे काले कि आपका भी बैन है यहाँ पे, आप भी नहीं आ सकते। सिर्फ हमारे लिए, दलितों के लिए, अछूतों के लिए जो इनकी नजरों में है, उनके लिए एक अलग तरीके का संविधान। सर मतलब मैं लिटरली चाह रही हूँ आप ये चीज देखो एक बारी, पैन करो कैमरा, ये देखो गंगा जल, ये देखिए ये गंगा जल और गौमूत्र से ये सब धोया गया, साफ किया गया, ये देखो। और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, इन लोगों ने झाड़ू से कर्मचारियों को बोल के यहाँ से जो बाबा साहेब के पोस्टर्स लगे थे वो उतारे गए, बाबा साहेब की जो फोटोज लगी थी वो उतारी गई, इन्होंने यहाँ से उतारे। इन सब पे SC ST एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज होगा। जितने भी जो हमारे कैमरा के अंदर कैद हैं इनको एक को भी छोड़ा नहीं जाएगा, इन्होंने जो हरकत करी है। तुम लोग अंबेडकर के साथ खेलोगे और मनुवाद फैलाओगे और चाहते हो यूनिवर्सिटी में हम लोगों का अस्तित्व ना रहे। तो सर मैं, हम आपको बोल रहे हैं सर, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, यू हैव टू कम सर, यू हैव टू प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस। आप देख लो क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है। इज देर एनी थिंग लेफ्ट फॉर अस सर? अगर कुछ है तो आप हमें बता दीजिए सर, हम यहीं बैठेंगे, हम डंडा भी खाने के लिए तैयार है, जेल भी जाने के लिए तैयार है और मुकदमे भी झेलने के लिए तैयार है। सर हमें उपाय बताओ, हमें करना क्या है? आज आप मुझे सर यहाँ से लेके नहीं जाओगे, मैंने सीधी बात बता दी, मैं नहीं जाने वाली सर। जी वकील साहब, क्या है आगे के अदालत में क्या चल रहा है सर, क्या कुछ हुआ? अदालत में जो लूटपाट की गई थी डॉक्टर रितु के खिलाफ उसकी हमने 156-3 डाल दिए, क्योंकि अमित शाह जी की पुलिस से तो आप ये उम्मीद कर नहीं सकते कि वो FIR दर्ज करें SC ST एक्ट की, जो कि उनके खुद का जो मंत्रालय है वो ही नोटिफिकेशन जारी करके बोल चुका है कि जहां भी SC ST एक्ट की कंप्लेंट होगी उसमें तुरंत FIR होगी, वो तो वो करेंगे नहीं। हाँ ये जो डॉक्टर रितु बता रही हैं, कल भी मैं यहां पे आया था तो मेरे तो दिमाग में ये बात आई नहीं कि ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है ये शुद्धिकरण का कार्य। मतलब मैं तो खुद इनके साथ कल यहां पे था, मुझे तो बाद में ये बताया आशुतोष जी ने और दूसरे लोगों ने कि ये काम हुआ है यहां पे। तो ये जो शुद्धिकरण करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है इस समय, मतलब इस सदी में बाबा साहब के संविधान आने के इतने दशकों बाद भी क्या अपवित्र हो गया? मेरे ख्याल से तो डॉक्टर रितु के यहाँ बैठने से ये यूनिवर्सिटी पवित्र हुई थी, अपवित्र नहीं हुई थी। ये जो अंबेडकर आंदोलन यहाँ पे चल रहा था इससे पहली बार ये यूनिवर्सिटी पवित्र हुई थी, इससे पहले अपवित्र थी, मेरा तो ये मानना है। पहली बार जो पवित्र हुई थी उसको अब अपवित्र किया जा रहा है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जिन लोगों के मन में ऐसी बातें आती हैं उनको ऐसा ही जवाब देना ज़रूरी है। ये क्या कैसे आप मैं पूरी दुनिया से ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर रितु सबसे ज़्यादा समझदार है उन इस सविता रॉय से तो ज़्यादा ही समझदार है ना, क्या अपवित्र कैसे हो गई थी? ये सवाल हम दुनिया के सामने करना चाहते हैं। और क्या क्या अपवित्र हो गया, कैसे अपवित्र हो जाएगा कोई ये जगह डॉक्टर रितु के और डॉक्टर रितु के साथियों के बैठने से कैसे हो जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, ये जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा, अमित शाह जी को देना पड़ेगा और मोहन भागवत जी को भी देना पड़ेगा। और हम खुले मन से ये समझना चाहते हैं, हमें अगर कोई लॉजिक है तो बता दें कि डॉक्टर रितु के बैठने से ये जगह अपवित्र कैसे हुई थी। बाबा साहब की प्रतिमा लगाने से तो कोई भी जगह पवित्र होती है, क्योंकि बाबा साहब संविधान के जनक, संविधान के पिता हैं, वो उन्होंने बनाया।
तो उनके जगह पे लगने से तो भारत पवित्र होता है ना, जहाँ उनकी फोटो लगेगी तो पूरा भारत पवित्र होता है। पता उस वजह से गीला किया जा रहा हो, आप द्वारा ना बैठे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट में, हाँ देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ का एक वो बनाना था घर, तो उस वो बाबा साहब की मूर्ति के बगैर पूरा नहीं हो रहा था, तो वहाँ लगाई जा रही है। तो यहाँ क्यों, सवाल ये है, और ये मैं चीफ जस्टिस साहब से पूछना चाहता हूँ। मैं कभी डायरेक्ट एड्रेस नहीं किया, लेकिन आज मेरा दिल इतना ज़्यादा दुखी है ये बात कल से सुन के। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से ये कहता हूँ कि अगर वो ये समझते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति और पूरा कॉलेजियम जो है, और पूरे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेज हैं, उन लोगों ने ये माना कि बाबा साहब की मूर्ति लगने से यहाँ ये जो न्याय का मंदिर है ये ज़्यादा पवित्र होगा, इसकी गरिमा बढ़ेगी, तो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की मूर्ति अपवित्र कैसे कर सकती है, ये सवाल सबसे बड़ा है। चीफ जस्टिस साहब को इसके लिए सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस का सबसे बड़ा इशू है ये इस देश का इस वक्त। ये देख लीजिए एक बार, इससे बड़ा कोई इशू नहीं है। बाबा साहब की मूर्ति कैसे अपवित्र कर सकती है किसी को, जिस स्पॉट पे बाबा साहब की मूर्ति लगाई थी, देखिए कैसे धोया जा रहा है, जैसे गंगा जल से। ये देखो, ये क्या है, ये देखिए, ये इधर दिखाओ, ये देखिए, ये क्या है, ये स्पॉट पे हमने बाबा साहब की मूर्ति लगाई थी, और देखिए उसको कैसे धोया जा रहा है, देखिए इसके सामने वहाँ पे स्पॉट। अगर जमीन पे धोया जाए, एनवायरनमेंट को क्या धोगा, एनवायरनमेंट को भी धोगा ना ये पूरा देश बाबा साहब के उससे ऊपर तक भी थी हमारी। मैं यही कह रहा हूँ, पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का रेडी है, ये संविधान की वजह से सब बराबर है। नहीं, बाबा साहब की मूर्ति की बात हो रही है, हम और आप गंदे हो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब की वजह से तो ये देश ही है। तो ये सवाल है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। ये हमारा करबद्ध निवेदन है, इसके लिए 100% उन्हें सुओ मोटो कॉग्निजेंस इस बात की लेनी चाहिए कि ये हुआ क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इतना बड़ा हमला संविधान के ऊपर, बाबा साहब के ऊपर कैसे हो सकता है, और कैसे सुप्रीम कोर्ट इसको आंखें बंद करके देख सकती है। अभी तक, अब तो आपके माध्यम से आज पहुंच जाएगी, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब से कि इसकी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लें और खुद डायरेक्शन दें FIR दर्ज करने की, जिन लोगों ने भी, ये दिल्ली पुलिस के कर्मचारी नहीं थे, यहाँ पे बताया जा रहा है RSS के दूसरे भी गुंडे आए थे यहाँ, तो उन सभी के खिलाफ ये FIR दर्ज करके, का काम पुलिस ने किया या किसी और लोगों ने, ये बता रहे ना, गुंडे भी थे RSS के और पुलिस के लोग भी थे, के गुंडे, गार्ड और पुलिस, तीनों के, तीनों लोग थे, और अमित शाह साहब दिल्ली पुलिस के इंचार्ज हैं, तो ये FIR उनके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर उन सभी दोषियों के खिलाफ FIR नहीं कराई आपकी ये रिपोर्ट शाया होने के बाद, तो इसका मतलब उनके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से, उनके डायरेक्ट इशारे से ये काम शुद्धिकरण का हुआ। मैडम, आप 144 लगी हुई है, कानूनी रास्ता क्या है? अब बाबा साहब के अपमान के बाद कोई धारा पे लगा लो, 302 लगा के हमें जेल भेज दो, बाबा साहब का अपमान कर दिया ना, अब हम यहीं बैठेंगे, जिससे जो कर लिया जाए कर। और सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, नहीं मैं आप सबको भी आपके चैनल से, कानूनी रास्ता, जो भी मीडिया वाले देख रहे हैं सर, आप सारे वकीलों को भी रिक्वेस्ट कीजिए कि एक डेलीगेशन बना के सर कल के कल आप सुप्रीम, आप जाएं चीफ जस्टिस के पास और बोले कि दिल्ली विश्वविद्यालय में किस तरीके से सर शुद्धिकरण किया जा रहा है बाबा साहब की प्रतिमा हटाकर, और दूसरी फोटोज यहाँ लगाई जा रही है, हमारे पास सारे प्रूफ वीडियोज हैं, आप उन्हें दिखाएं कि बाबा साहब को उतार के नहला धुला के साफ करके जगह को फिर प्रभु राम का यहाँ पे वो लगाया गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है उनसे, लेकिन ऐसा क्यों किया गया, हमसे उन्हें क्यों दिक्कत है सर, इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। डॉक्टर, तो दो लड़ाई है, बैठने की लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई, बैठने की लड़ाई है नंबर एक, नंबर दो, दोनों लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएंगी, इंसाफ की लड़ाई के लिए बैठ के आने शौक है यहाँ बैठने का, इस ठंड में पुलिस ने ठान लिया है कि बैठने नहीं दिया जाएगा, हमने भी ठान लिया है बैठेंगे, बैठेंगे एकदम बैठेंगे, दोनों ने ठान लिया, आप देखते हैं कौन जीतेगा, संविधान जीतेगा, ये इनकी बर्बरता और क्रिमिनल एक्टिविटीज जीतेंगे, अब तो यही देखना है ना सर। आज कोर्ट में क्या होगा? अभी हमने फाइल किया है कोर्ट में आने में, अब कल तक आएगी तो हम आपको बता देंगे, अभी हमने वो डकैती के लिए हुआ है, आज हम रात को बैठ के जो 144 लगाई थी गैर कानूनी, उसके खिलाफ भी FIR तैयार करेंगे, यही SHO साहब को इनके ACP साहब के खिलाफ FIR करने के लिए दरखास्त देंगे कल, और फिर कोर्ट में जाएंगे, यही एक तरीका है जो हम हर केस में फॉलो करते हैं। ये तो अब कल तक हम यहाँ से चले गए थे, कल तक मुझे भी नहीं पता था ये कि ये इस प्रकार से शुद्धिकरण हुआ, जब ये शुद्धिकरण की बात आ गई है तो अब हम लोगों के अगर सांसें और अस्तित्व तो गंदा है तो हमें हटा ही दो ना दुनिया से, एकदम सर, तभी पवित्र होगी ना इनके लिए, तो हमें मार दो, हमारा, हमें
आग लगा दो, हमें कुछ कर दो, हमारा वोट लेकिन अच्छा लेकिन सर, हाँ। हमारा वोट अच्छा लेकिन वोट अच्छा हमारे आप सर बैठा जाएगा या सांकेतिक कल बैठा जाएगा, बैठा जाएगा, बैठा जाएगा, बैठा जाएगा, बैठा जाएगा। देखेंगे इनको। और आप वो स्पॉट देखिए जहाँ बाबा साहेब की प्रतिमा लगी थी, देखो कैसे धुलाई हुई है उस स्पॉट की, हर स्पॉट की, बिल्कुल बिल्कुल। और आप मुझे बताओ ना, रीजन बताओ कि अगर बाबा साहेब की प्रतिमा से क्या दिक्कत थी, प्रभु राम की प्रतिमा लगाई, बाबा साहेब की प्रतिमा, हमारे जो मसीहा हैं दलितों के, उनको कैसे हटाया? उनको हटा के आप दूसरा चित्र लगा रहे हो वहां पे, उनको क्यों हटाया? हम तो उनका भी सम्मान करते हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन आपने उनकी प्रतिमा हटा कर, धो धुलाई कर साफ कर गंगा जल गौमूत्र से उनको कैसे लगाया? इस चीज का जवाब कौन देगा? ये हुआ है, हमारे वीडियो में पूरा सबूत, फोटोज पूरी कैप्चर्ड है। इन्होंने हटवा दी ना, बिल्कुल हटवाई जानबूझकर, सब साजिश से लगाया। कैसे लगाया? कैसे? वो बेचारे नाकामी कर गए, चलाकी करी ना, चलाकी से दिमाग से होती है चलाकी, दिमाग तो है नहीं, वो तो सिर्फ हम लोगों को तंग करने के लिए इस्तेमाल होता है जो छोटा मोटा है। तो इस चीज का जवाब कौन देगा? इनके आला कमानों को इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। को जैसे और संज्ञान मिला, पुलिस ने तुरंत हटवा दिया ना, किसने लगाया? पुलिस इतनी सो रही थी, यहाँ पे आप देख रहे हैं दिन रात ये जो शुद्धिकरण चल रहा है यहाँ पे, और दिन रात इतनी पुलिस है, उनसे छुप के किसी ने लगा लिया या उनकी मर्जी से उनके इशारे पे लगाया होगा? ये सवाल बुनियादी है, आप समझ लीजिए इस बात को। यहाँ एक सेकंड भी पुलिस अपना जो सिक्योरिटी कवर है वो हटा नहीं रही है, आप देख रहे हैं, एक सेकंड नहीं हटा रही। तो क्या कोई अदृश्य लोग आके लगा गए थे? ये जानबूझ के शुद्धिकरण का एक पूरा एक उन्होंने जो वो बनाया है, एक उनका प्रक्रिया होती है, वो की गई है। ये पूछ रहे हैं, जब ये डॉक्टर रितु ये कह रही हैं कि वो हमारे आराध्य हैं, हम उनकी भी इज्जत करते हैं, लेकिन बाबा साहब की इज्जत कम क्यों की जा रही है, ये है सवाल। मीडिया कवरेज से भी रोका जा रहा है, कल मुझे रोका गया था। देखिए, अगर किसी मीडिया वाले को अमित शाह साहब की पुलिस टच करती है तो हम उनके खिलाफ मुकदमा करेंगे, ये आपका अधिकार है, आपको कोई कहीं जाने से नहीं रोक सकता। धारा 144 में भी मीडिया कर्मियों को नहीं रोका जा सकता, ये अपराध है। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, मीडिया कर्मियों को धारा 144 लगी हो या कोई सी भी धारा लगी हो, आप लोग कर्फ्यू में भी जा सकते हैं। तो ये अपराध है, ये अपराधी हैं जो आपको रोक रहे थे, ये आपको टच कर रहे हैं, वो अपराधी हैं, उनको क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करें। 100 नंबर पे फ़ोन करके आपको चाहिए, ऐसे जो पुलिस के अपराधी हैं, जो पुलिस की वर्दी में है लेकिन वो पुलिस नहीं है, वो अपराधी हैं, उनके खिलाफ आपको तुरंत 112 या 100 नंबर पे फ़ोन करके FIR दर्ज कराने के लिए वहीं से आपको पुलिस बुलानी चाहिए, एक्चुअल पुलिस। सिविल वर्दी में भी लोग रोक रहे हैं यहाँ पर, पता नहीं। तो वो मैं वो सिविल में हो या खाकी या पुलिस की वर्दी में हो, अगर प्रेस को रोकते हैं, अगर प्रेस को रोकते हैं, मैं आपको कर्फ्यू की बात बता रहा हूँ, कर्फ्यू की, यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ तो कोई कर्फ्यू नहीं लगा हुआ ना अभी, धारा 144 में प्रेस को नहीं रोका जाता, ये आपके खिलाफ तो सरासर अपराध है। वो जो ऑर्डर था 144 का वो भी अपराध था, लेकिन आपके ऊपर तो उससे भी बड़ा अपराध किया जा रहा है। कैसे बैठोगे यहाँ, तो पानी भरा हुआ है सब में सर। नहीं, पानी में क्या, हम तो कल भी बोल के गए थे अंगारे भी होंगे तब भी बैठेंगे, ठंड का मौसम है, अंगारे होंगे तब भी बैठेंगे, ये बाबा साहब की इज्जत की बात आ गई है, अब नहीं। पुलिस भी डंडे लेके खड़ी है सर, कोई बात नहीं। हाँ, डंडे क्या, बंदूकें लेके भी खड़ी है, देखो आप, बंदूकें लेके भी खड़ी है, बंदूकें लेके भी खड़ी है, डिटेन भी कर सकती है पुलिस देके। मैं कह रहा हूँ बंदूकें लेके खड़ी है, गोली भी मार सकती है, मरवा दो गोली, तैयार है मरने के लिए, तो बहुत पहले से तैयार है, छातियां तैयार है, मारे सब करें, हम हटने के लिए नहीं, मरने के लिए। कैप्चर करो, हम खा रहे हैं अपनी छाती पे गोली, करो कैप्चर, कैमरा रखो। और अगर आप लोगों को ये छूते हैं तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी लीगल टीम आपके पीछे खड़ी है, आपको ये हाथ लगाएंगे तो 500 वकील आपके पीछे खड़े होंगे, ये आप याद रखना बात, अगर ये आपको हाथ लगाते हैं, इतना आश्वासन। मीडिया को तो कोई टच ही नहीं कर सकता, मीडिया को कोई टच नहीं कर सकता, बहुत हो गया, आप असली मीडिया हो, और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है, असली मीडिया को कोई टच नहीं करेगा, संविधान आपकी प्रोटेक्ट करता है, आप फोर्थ पिलर हो डेमोक्रेसी, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे पार्लियामेंट है, जैसे एग्जीक्यूटिव है, समझ रहे हैं आप, आप उसी तरीके से चौथा पिलर हो देश का, आप वो क्रिमिनल मीडिया नहीं जो टेलीविजन और उस पर बैठी है, अडानी अंबानी और दूसरे मिनी जैन के गुलाम, वो नहीं, आप हो असली मीडिया, फोर्थ पिलर, आपकी महत्वता जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट के बराबर है, इस बात को आप समझ लो मेरे प्रेस के साथियों, इस अपनी वैल्यू समझो। लोग जानना चाहते हैं जो गांव में है कि 144 कब लगाया जाता है, जिसकी लगातार पुलिस दे रही है। 144 जहां भी लगाया जाता है, बहुत कम समय के लिए लगाया जाता है, वो तब लगाया जाता है जब लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम बड़ी होने वाली हो, जिसको आम कानून से, समझ रहे, कोई अपराध करता है तो उसको रोकने का काम पुलिस का है, अपराध से होने से पहले पुलिस को अगर ज़रूरत पड़ती है किसी प्रावधान की, वो है दफ़ा 144 के, अगर कहीं अपराध होने की आशंका है,
अगर कहीं अमन में शांति में भंग होने की आशंका है तो उसकी वजह से उनको 144 की पावर है, लेकिन वो बहुत छोटे समय के लिए उस समस्या को जो उस समय उत्पन्न हो सकती है उसको रोकने के लिए। ऐसा नहीं है कि 6-6 महीने के लिए आप 144 धारा लगा दो, इसलिए क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के या किसी भी सरकार के कंधे घिनौने अपराध छुपाए जा सके, पब्लिक का प्रोटेस्ट छुपाया जा सके, जो दबाया जा सके, उसके लिए धारा 144 लगाना अपराध है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे कितने प्रोटेस्ट हो रहे थे, डॉक्टर रितु क्योंकि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आती हैं इसलिए ज़बरदस्ती पहली बार धारा 144 लगाई गई, तो ये अपने आप में एससी एसटी एक्ट का भी अपराध। आपने भी तो कॉल दे रखी है ना कि ताला मारेंगे हम बीसी ऑफिस का, यूनिवर्सिटी का, तो ताला हमने खोलने के लिए दिया, ताले तो लगे हुए हैं, जो अदृश्य ताला है ना वो आपको नजर नहीं आ रहा, ये अब नजर नहीं आ गया, अंदर जाने नहीं दे रहे। डॉक्टर रितु सेलेक्ट होके गई थी ना अंदर, ताला किसने मारा, हम ताला खोलने का काम कर रहे हैं। पुलिस तो आंदोलन नहीं करने दे रही, वीसी दफ्तर तक कैसे जाएंगे? पुलिस अपराध कर रही है ना, अपराध कर रही है पुलिस, और अपराधियों को रोकना हर एक भारत के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक का फर्ज है, चाहे वो पुलिस अपराध करे, चाहे अमित शाह अपराध करें, चाहे मोदी जी हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री प्रातः वंदनीय प्रधानमंत्री का अगर कोई अपराध करते हैं तो वो रोकना देश की जनता के मालिकों का काम है। कल पुलिस ने आपको एक नोटिस भी दिया था। हाँ मैंने देख लिया, तभी तो मुझे पता लगा कितना बड़ा अपराध किया डॉक्टर रितु के खिलाफ, एससी कम्युनिटी के खिलाफ कितना बड़ा अपराध किया, वो नोटिस देने के बाद ही तो मुझे पता लगा है। ये जो एससी कमीशन और तमाम लोग हैं वे लोग कहाँ सो रहे हैं? ये तो आपका काम है ना, फोर्थ पिलर का, मतलब कोई है ही नहीं। ये तो फोर्थ पिलर हो आप, पार्लियामेंट के बराबर हो आप, सुप्रीम कोर्ट के बराबर हो, अमित शाह के आदमी बैठे हैं अपॉइंटमेंट, ये आपका काम है एक्सपोज करना, कमीशन में कौन आदमी, ये तो आपका काम है। आप लोग एससी कमीशन में जाके उनसे पूछिए, पूछो ना कि ये इतना बड़ा बाबा साहब का अपराध के खिलाफ अपराध हुआ है। बाबा साहब ने इसी दिन के लिए संविधान में एससी कमीशन एसटी कमीशन का प्रावधान रखा था, इसी दिन को देखने के लिए बाबा साहब ने रखा था क्या कि उन्हीं की प्रतिमा के साथ ऐसा होगा? कमीशन की कुर्सी तो खाली पड़ी है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, कमीशन की कुर्सी खाली पड़ी है, कमीशन की कुर्सी कभी खाली नहीं होती, उसमें मेंबर हैं और वो काम सदस्य हैं, तो कमीशन है। नहीं नहीं, चेयरमैन आ गया, अरुण हल्दर चेयरमैन आ गए, जिन्होंने मेरा केस पूरा खराब करने की कोशिश करी थी वो वापस आ गए, वो उन्हीं के वो दुकानें हैं, वो अपने ही उन गुलामों को बिठाते हैं जो बुक्का गैंग है, जो जाके बुक्का देते हैं, और वो वैसे ही जिनके अंदर जीरो टैलेंट है उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के लेकर आते बिठाते हैं ताकि वो हमारे केसेस में तो मन से बड़े तारीफ करते हैं। अरुण हल्दर, आई एम टेलिंग यू, अरुण जो मेंबर है सदस्य है अंजू वाला, आई डोंट नो अबाउट हर, मैं ज्यादा जानती नहीं, मेरा कभी इंटरेक्शन है, बट व्हाट आई एम सेइंग कि जो अभी वर्तमान में चेयरमैन है उन्होंने सविता रॉय को सपोर्ट किया था, उन्होंने उसी समय सविता रॉय, उन्हीं के पास वो सारी प्रूफ्स वीडियोस हमारे पास हैं, रोई गई कैसे उनके रूम में जाके थी, कैसे पूरा आरएसएस का जो एक प्लान बना के उनके साथ जा जाके मिली, तकरीबन कोई 13-14 लाख में इनकी डील हुई थी, क्योंकि वो बेचारा छोटा प्लेयर है, उसको नहीं पता होगा कि इसमें मतलब वो और भी दे सकती है कुछ, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, टाइम बाय टाइम हम सब देंगे। उसने उसका मुँह बंद कराया, अरुण हल्दर ने मेरे मिनट्स रिलीज नहीं किए थे उस टाइम पर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये सारी चीज़ें के सबूत के हम देंगे, सारी चीज़ों का प्रूफ हमारे पास है।